चल नहीं। सो हे वेलकम बैक टू माय चैनल। बालों पे ध्यान मत देना, हर बार की तरह कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही होती क्योंकि आज ठंड बहुत थी। एक्सक्यूज मी, क्या रे नहर सिंह पार्क कौन सी जगह है? नहर सिंह पार्क भाई, तुमसे बंदा सिर्फ एक बेसिक सा सवाल पूछ रहा है और तुम इस पे इतना रिएक्ट कर रही हो भाई, पता नहीं इसने क्या गुनाह कर दिया हो भाई, मतलब पता नहीं क्या पूछ लिया है इसने जिस हिसाब से रिएक्ट कर रही है भाई। थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट कम रखो भाई, समझ रहा हूँ कि प्रैंक वीडियो चल रही है, तुमको ज़्यादा ही दिखाना होता है, लेकिन भाई इतना तो मत कर, मतलब लग रहा है पता भाई, नॉर्मली बात कर सकते हो तुम लोग। ये नहर सिंह पार्क है ना शायद, यही है ना? हाँ ये है, बट भाई पहले मुझे एक बात बताओ, बुद्धि तुम्हारी घास चरने गई होती है हर बार ही ना, अगर तुमको पता है ये नहर सिंह पार्क जो भी है ठीक है, ये पार्क है वो, तो भाई अरे नहीं यार मम्मी मेरे को शूट करने दो। ये नहर सिंह पार्क है ना शायद, यही है ना? हाँ ये है। अगर तुमको पता है कि ये वही जगह है जहाँ पे इस बंदे को जाना है, तो इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? नहर सिंह पार्क भाई, रिएक्ट तो ऐसे कर रही थी जैसे इसने जिंदगी में पहली बार सुन लिया हो ये सब। वैसे आप अकेले समझ रहे हो यार, मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पे मतलब कि किसी को टाइम पास करना है कुछ भी तो वो आ सकता है। बहुत अच्छी चीज है भाई, इस हिसाब से अगर तुम लड़की से बात करोगे तब तो तुम्हारा टाइम पास अच्छा खासा हो जाएगा। आप अकेले कॉन्फिडेंस अलग लेवल का लेके आते हैं भाई, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा होता है इनको, मतलब। और तुम इस तरीके के प्रैंक वीडियोस बना रहे हो और तुम क्या जनता को चूतिया समझ रहे? भाई जनता चूतिया है समझते हैं हम, और भाई जनता इस तरीके का काम मत किया करो ठीक है, क्योंकि ये वीडियोस देखने के बाद तुमको लगता है कि इस तरीके से लड़की अगर पटाई जाती है और इस तरीके से मिल जाती है तो भाई तुम बहुत बड़ी गलती में हो, और ये हरकतें ये फुद्दू हरकतें तो कभी मत करना भाई। और भी चॉइस भी हो सकती है ना, कि चॉइस किसी को और भोसड़ी की, तेरे को ये मिल रही है ना खुश हो जा भाई, खुश क्या तुझे, तो मंदिर में जाके नंगे पैर उल्टा लेट जाना चाहिए समझ रहा है, और तू भाई बोल रहा है कि चॉइस मिलनी चाहिए, अबे साले कंट्रोल कर ले भाई, जो चीज तुझे मिल रही है भाई उसमें खुश रह ले भाई, मतलब यहाँ पे इतना सूखा पड़ा हुआ है और तेरे को भैया चॉइसेस चाहिए भाई, इस बंदे को चॉइसेस चाहिए बेटी, चॉइसेस तो मिलेंगी पुलिस स्टेशन में जब चूतड़ा पे तेरे को डंडे पड़ रहे होंगे ना। देखो भाई आगे जो भी इसने बकचोदी करी है वो दिखाने लायक नहीं, क्योंकि वैसे मेरी बहुत सारी वीडियोस कॉपीराइट क्लेम आ चुका है बहुत सारी वीडियोस पे, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब ने डिलीट कर दी है, चैनल की ग्रोथ की तो ऐसी तैसी लगी पड़ी है, और फिर ये सब दिखा के मैं अपना चैनल नहीं बर्बाद करना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल में रह के भाई बहुत सारी फुटेजेस नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने कुछ ऐसी फुटेज दिखाई थी जिसकी वजह से मेरी कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। और कंट्रोल भाई देखो, सबसे पहली बात, अगर पैंचो ये वाली वीडियो सॉरी कंट्रोल कंट्रोल नहीं देंगे भाई, गाली वाली कुछ नहीं देंगे हम ठीक है। देखो भाई अगर इस तरीके की वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं तो हम जैसे बंदों की वीडियोस क्यों नहीं चल रही भाई, क्यों नहीं चल रही, मतलब मैं तो कुछ ऐसा कर भी नहीं रहा यार, मैं सिर्फ उन पे वीडियोस बना रहा हूँ और ये वीडियो अवेलेबल है इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और फिर यार तुम मेरी चैनल पे जो वीडियोस हैं भाई वो डिलीट कर रहे हो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स जब आ रहा होता भाई तब वो वीडियोस जा रही होती, इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा जो मुझे नहीं दिखानी चाहिए, मतलब दिखा सकते हैं लेकिन भाई यार चैनल की बात है यार, पैसा वैसा भी चाहिए होता है, तो कॉपीराइट क्लेम आ चुका है बहुत सारी वीडियोस पर, बहुत सारी वीडियोस मेरी जा चुकी हैं। तो ये देखो ट्वेल्व है, पैसा बहुत है देख रहे हो, मतलब आईफोन 12 रखा हुआ बंदे ने, बहुत पैसा है मतलब देख रहे हो, शो ऑफ, एप्पल का नाम भी बदनाम करके रखा भाई इन लोगों ने, मतलब कहाँ पे यूज हो रहा है एप्पल का नाम भी, उतारू यहीं पे कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? तो कपड़े क्यों उतारा, कपड़े पहने रहे तेरे को ठंड लग जाएगी, किसी भी शरीर में जानना है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे भाई साहब नंगे हो चुके हैं क्योंकि इनको और कुछ आता नहीं, पिछली वीडियो में भी आपने देखा कि भाई ये नंगा हो चुका था इतनी ठंड में, इसके चूतड़ों पता नहीं कौन सी आग लग रही होती है भाई, ये हर बार नंगा हो जाता है यार इतनी ठंड में, हैंचो मारी फटके हाथ मार रखी होती है और साला ये नंगा हो रहा भाई पार्क्स में, बेटी हिमाचल आओ कभी, एटीएम तो दे चल आ जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा चूतिया काट के जा चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमें पता नहीं लगा भैया कौन सा प्रैंक चल रहा है, और बस लास्ट में इसने थोड़ी सी बकचोदी करी, अपनी टी शर्ट उतारी और उसके बाद लड़की लेके फुर रो गए, और बीच में जो इसने ये जो सारी बकचोदी करी है, जो ये बकवास गंदी बातें करी हैं इसने, वो बैंचो वाला सॉरी सॉरी सॉरी, तो जो बीच में इसने सारी बकचोदी करी है ना बेवकूफ़ ने,
वो सब होने के बाद लास्ट में ही लड़की लेके चला गया और ये वीडियो है इसकी प्रैंक वीडियो। तो देखो ये प्रैंक हो चुका है हम लोगों के साथ एज यूजुअल, जो कि इसकी वीडियोस देखने के बाद हमेशा ऐसा ही होता है कि प्रैंक हो रहा होता है हमारे साथ, समझ रहे तुम लोग, हमारे साथ प्रैंक हो रहा होता है और फिर ऐसा मुंह से कुछ निकल जाता है तो यूट्यूब हमारी वीडियो, और मैं अगर इसकी वीडियो में से कुछ ऐसा दिखा दूंगा तो वीडियो भैया हमारी चली जाएगी, वैसे भी कहाँ चलनी होती है, और ऊपर से यूट्यूब हमारी ऐसी तैसी फेर देता है। और ये जो बकचोदियाँ पेल रहे होते हैं ना, तो क्यों हम क्यों नहीं पेल सकते भाई, तो हम भी पेलेंगे बकचोदियाँ। और तुमको भी अगर इस तरीके की बकचोदियाँ देखनी है तो फिर एक काम करो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करोगे तभी इस तरीके की और बकचोदियाँ देख पाओगे। और सब्सक्राइब कर दिए हो तो बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी पता नहीं होता भाई कब हम वीडियो डाल दें, तो नोटिफिकेशन आनी चाहिए, तो बेल आइकन दबा दो। और बेल आइकन अगर दबा दिए हो ना तो लाइक वाला बटन क्यों छोड़ रहे हो, डिसलाइक तो कर नहीं सकते तुम, तो लाइक ही कर दो। कुछ ऐसा मन में आ रहा है कुछ बात है, जो डिसलाइक के बटन से तुम्हारी जो भड़ास थी वो निकल सकती थी, तो वो भड़ास तुम कमेंट बॉक्स में निकाल दो, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं भाई कितने बंदे हम पे भड़ास निकालना चाहते हैं, और अगर हमारी वीडियोस पे डिसलाइक आ रहे हैं तो भाई क्यों आ रहे हैं, और अगर अच्छी लग रही वीडियो तो क्यों अच्छी लग रही है भाई, कुछ ना कुछ तो बकचोदियाँ पेल दिया करो भाई, कमेंट सेक्शन ऐसे खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उस पे पेला करो, समझ रहे हो, और बाकी तो तुम समझदार हो, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। और आई होप वीडियो अच्छी लगी है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।